चाहे कोई मर जाए, खत्म हो जाए, अकाल आ जाए, महामारी आ जाए, कोरोना आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, जो आ जाए, ये क्या ही अच्छी बात है जब हम परमेश्वर के घर में उपस्थित होते हैं, जब हम परमेश्वर के घर में पाए जाते हैं। कोई मेरे साथ निकाल लीजिए बुक ऑफ लूक, लूका की पुस्तक उसका 8 अध्याय, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 8 वर्स 4, 4 में क्या लिखा है, लुका 8:4 में क्या लिखा है। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, आमीन, उन्होंने पैराबल में कहा, और वो पैराबल था एक बोने वाला बीज बोने निकला, आमीन, हालेलुया। कोई पढ़े 5 को भी, बीज बपोक आपन बीज बपन करते गेलेन, बस एक बोने वाला क्या करने निकला, ये इंसान क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बीज बो रहा है, दिस मैन इज डूइंग समथिंग, आमेन, हालेलुया, ये इंसान कुछ काम कर रहा है, आमेन, क्या कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, और ये जो बीज बो रहा है, ये बीज बोने में बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई है, परंतु ये बीज ऐसे ही नहीं बो रहा है। अगर ये बीज बो रहा है तो इसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है कि उसे इस बीज को सही तरह से रोपना है, सही तरह से गाड़ना है, और सही तरह से इसके ऊपर वो सारी मेहनत करना है ताकि ये बीज फल में बदल सके, क्योंकि जो बीज बोता है उसे पता है कि इसके पीछे बहुत हार्ड वर्क है, इज वेरी इजी, बीज बोना बहुत आसान है, परंतु उस बीज को फल में बदलना थोड़ा कठिन है, आमीन, मैं बहुत कठिन नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा कठिन है। तो एक बोने वाला क्या करने निकला, क्या करने निकला, आमीन, तो ये बोने वाला बीज को बोने के लिए निकला, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। टुडे माय सर्मन इज द सीड, हालेलुया। आज मेरा वचन ही है बीज, आमीन। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि ये जो बीज है हमारे जीवन में क्या काम करता है, उस ठंड से निकलिए, आमेन। कुछ लोग हैं, अगर जैकेट पहना है तो हाथ ऐसे डाल के रखा है, कुछ लोग जो पहने हैं उन लोगों ने शॉल लिया है तो बस हाथ ऐसे हालेलुया हालेलुया कर रहे हैं। यू नो व्हेन, जब व्हेन यू परमेश्वर की आराधना करते हैं, आमेन, मैं पिछले संडे बता रहा था बाइबल में मुझे कहीं नहीं मिलता एक हाथ, बाइबल में कहां मिल, क्या मिलता है, अगर प्रभु ने आपको एक हाथ दिया है तो अलग बात है, आमेन, और अगर परमेश्वर ने आपको, तो याद रखना एक हाथ का हिसाब लिया जाएगा, आमीन, एक हाथ का हिसाब लिया जाएगा, कि जब दोनों हाथ तुझे उठानी थी मेरे आराधना के लिए तूने एक हाथ उठाया, ये सारे हिसाब लिए जाते हैं, आमीन, आप पता है कि नहीं पता नहीं, परंतु ये सारे चीज एक एक खाते में लिखता है एक स्वर्ग दूत, आमीन, डरिए मत, आराधना कीजिए।
ओके, आइए हम परमेश्वर के वचन की और आगे बढ़ेंगे। कैन आई हैव अ सेकंड पिक्चर? इट टू बी वेरी फास्ट आई सेड। ओके, इज इट आ गया क्या? क्या है, क्या है सेकंड पिक्चर? हाँ, ये क्या कर रहा है? ये भी वही काम कर रहा है। पहला वाला जो था वो कोई विदेश में बीज डाल रहा था, परंतु दूसरा वाला, ऐसे नहीं लगता है कि हमारे बंगाल में कोई होगा या हमारे बिहार में कोई होगा या हमारे कोई झारखंड का होगा। पहले वाला थोड़ा टोपी पहनकर बीज बो रहा था, आपको लग रहा है अरे ये तो हमारा नहीं है, ये तो फॉरेन का है, उसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा कुछ है। परंतु दिस मैन इज अपना एकदम एकदम गांव का आदमी है। Amen. So this man also what he is doing? बोने वाला बीज बोने चला। पर आज शायद परमेश्वर आपके जीवन में क्या बोना चाहता है, आ जाइए परमेश्वर के वचन से देखिए। Amen. Hallelujah. Hallelujah. कोई मेरे लिए पढ़ दे 8:12। Amen. Hallelujah. अब मैं आपको ऊपर से नीचे की ओर पढ़ता हूँ, आप सिर्फ फॉलो करें। और एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरे और रौंदा गया, आकाश के पंछियों ने उसे चुग लिया। Amen. फिर 6 पढ़ रहा हूँ, और कुछ चट्टान पे गिरे और उपजा, परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। Amen. 7 कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों के साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया, और कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और उसका 100 गुना फल लाया। ये कहकर उसने ऊंचे सब से कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। उसके चेलों में से पूछा कि यह दृष्टांत क्या है? उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी ना देखे और सुनते हुए भी ना समझे। आमीन। देखते हुए भी ना देखे, सुनते हुए भी ना समझे। ये कैसे कान है और ये कैसी आंखें हैं? आमीन। दृष्टांत ये है, बीज तो क्या है, क्या है आपकी आपके बाइबल में लिखा है 11:11 क्या लिखा है? बीज क्या है, क्या है बीज? तो परमेश्वर का वचन है। आमीन। हालेलुया। बीज तो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। नाउ द पैरेबल इज दिस, द सीड पैरेबल इज, अब पैरेबल ये, द सीड इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। द सीड इज द वर्ड ऑफ गॉड। जो बीज के बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। हालेलुया। और अब हम एक एक सीट के बारे में देखेंगे, एक एक जगह के बारे में देखेंगे कि कहां कहां पर बीज आज परमेश्वर हमारे जीवन में बो रहा है। आमीन। हम 4 तरह के जगहों को देखेंगे। वी विल सी द 4 एरियाज ऑफ आवर लाइफ, अ 4 एरियाज ऑफ अ सिचुएशन, आर 4 काइंड ऑफ पीपल। 4 तरह के लोगों को देखेंगे, 4 एरिया के लोगों को देखेंगे कि किस तरह हम परमेश्वर के वचन को रिस्पॉन्ड करते हैं आज, किस तरह हम परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं परंतु हम कहां रखते हैं। परमेश्वर का वचन तो बोया जाता है परंतु हम तय करते हैं कि वो कहां गिरे। आमीन। परमेश्वर का बीज तो आसमान से, ये पुलपिट से आपके लिए तो दे दिया गया, परंतु आपके ऊपर निर्भर करता है कि वो 4 जगह
कौन सा होगा आपके लाइफ में। Amen. And we will see, आज हम बहुत ही सुंदर तरह से देखेंगे कि क्यों आज हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, आज हम देखेंगे क्यों नहीं हम फल पा रहे हैं, क्यों नहीं हम परमेश्वर में रह पा रहे हैं, हम क्यों नहीं अपने लाइफ में और भी आगे बढ़ पा रहे हैं। And we will see all those if and buts condition. Amen. And we will see our weaknesses. Amen. And we will see how we are making ourselves weak. हम देखेंगे हम हमारे अंदर क्या कमजोरी है और हम देखेंगे हम अपने आप को खुद से कमजोर करते हैं। Amen. Hallelujah. I'm excited to hear this. Amen. Hallelujah. Okay. आइए हम सबसे पहला बीज को देखें जो आपने पढ़ा। सबसे पहला जो बीज गिरा कहां गिरा? मार्ग के किनारे। Amen. Verse 12. 12 तक की लिखा चे कुछ जो बीज है कहां पर गिरे हैं सबसे पहले? मार्ग के किनारे। कहां पर? मार्ग के किनारे। मार्ग के किनारे के हैं। कहां के किनारे के हैं? मार्ग के किनारे के हैं। और जिन्होंने सुना। आमीन। जिन्होंने सुना यानी जिनके पास कान है Amen. जिनके पास कान है उन्हीं लोगों ने सुना। Amen. जादर कान आचे ओरा सुनेचे ईश्वरेर वाक्को ओरा सुनेचे। Amen. Hallelujah. They heard the word of God. Amen. Because they have the ear. Hallelujah. उनके पास कान है, उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना तो है। Amen. Hallelujah. तब कौमा देकर कहता है तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा क्या करता है। But every time a person comes near to God to hear the word, the enemy also come near to take away the word from his heart. जब जिस तरह आप परमेश्वर के पास आते हो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, वैसे ही शैतान भी आपके पास आता है आपने जो परमेश्वर से पाया है उसे लेने के लिए। आमीन। हालेलुया। अगर आपको ऐसा लगता है यदि आपनी भावचे आपना काने जे प्रभु पाक को अपनी सुने से सेटा अपनी रेखे ने बेन सेटा भूल। आमीन। কেন দিয়াবল চেষ্টা করবে, দিয়াবল খুবই চেষ্টা করবে কি কিভাবে আপনার দিকে ঈশ্বরের বাক্য ও চুরি করে নিয়ে যায়। Amen. He will try his level best to steal all the word you are having in your life. Amen. वो कोशिश करेगा कि हर एक वचन को वो आपके जीवन से चुरा ले। Amen. Hallelujah. और लिखा है शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो। क्या ना हो? ऐसा ना हो। क्या ना हो? ऐसा ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके। उसका मेन मकसद क्या? उसको पता है कि अगर इसको मैंने छोड़ दिया तो ये फल लाएगा। Amen. अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये क्या लाएगा? और ऐसे लोग कौन है? ऐसे लोग कौन है? कौन है ऐसे लोग? Come on. कौन है ऐसे लोग? ऐसे लोग वे हैं जो चर्च में बहुत सुंदर से वचन सुनते हैं परंतु सीढ़ियों से उतरते उतरते शैतान को दे देते हैं। आमीन। यहां पर बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर का वचन सुनना, पास्टर जी का वचन बहुत अच्छा लगता है, पास्टर जी जब बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा वचन है इसलिए अच्छा लगता है। ये तो सही है। आमीन। बीज तो आपके जीवन में बोया जा रहा है परंतु आपने कहां रखा उसे? पहला बीज मार्ग। क्योंकि जैसे ही आप उतरे, आप जैसे ही घर गए, आप जैसे ही जो भी काम कर रहे हो, आप परमेश्वर के वचन को भूल जा रहे हो, आप परमेश्वर के वचन को दे रहे हो लोगों को। मैं आपको बता दूं,
जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, जब आप परमेश्वर के वचन को मानते हो, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हो, तो उस समय आपका विरोधी शैतान आपके विरोध में खड़ा रहता है। और वो उसे एक ही डर है कि अगर ये अच्छी भूमि पे गिर गया, अगर ये इसको इन लोगों ने अच्छी तरह से खेती कर ली, नरिशमेंट कर दिया, नर्चर कर दिया, अच्छी तरह से देखभाल कर दिया, तो ये क्या पा जाएंगे, क्या पा जाएंगे, क्या पा जाएंगे, चंगाई नहीं। आमीन। शैतान चंगाई से नहीं डरता है, शैतान उद्धार से डरता है। आमीन। शैतान हमारे विरुद्ध में कहां खड़ा है, उद्धार के विरुद्ध में। शैतान चंगाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे। आमीन। आपके जीवन में चंगाई आए, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके जीवन में उद्धार ना आए। आमीन। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब जक्कई से बात किया, तो जक्कई ने जब अपने पापों को मान लिया, तो यीशु ने क्या कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। आमीन। हालेलुया। शैतान को यही डर है, डायबोलिक भय एकटाई कि आपनार जीवने यदि उद्धार चले आसे, आपनार जीवने यदि सालवेशन चले आसबे, ताले और काज नहीं आपनार लाइफे। आमीन। उसका काम नहीं है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, जब आप अपनी प्रभु बात को सुनते, यू नो यू हियर यस इज वंडरफुल, यू नो बहुत अच्छा है। जैसे ही प्रचार खत्म होता है, जैसे ही प्रीचिंग खत्म होता है, बहुत लोगों के अंदर से तो जैसे ही हम लोग ऑफरिंग गीत गाते हैं तभी निकल जाता है। आमीन। है ना, हम लोग ऑफरिंग गाना गाते हैं, उसी समय परमेश्वर का वचन हम वहां भी भूल जाते हैं। Amen। और हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत स्मार्ट हैं, शैतान हमें बुद्धू बनाकर रखता है। हालेलुया। ओ तो कोई बात नहीं, हम तो याद रखे हैं सब कुछ। परमेश्वर का वचन शैतान हमें यहां पर ये करता, स्ट्राइक करता है। सेकेंड थिंग, दूसरा जो है वर्स 13 पढ़े। क्या लिखा हुआ है, those on the rocky soil are those who when they hear receive the word with joy and these have no firm root, they believe for a while and in time of temptation fall away। Amen। बाइबल क्या बताती है, चट्टान पर के वे हैं। ये इंसान क्या कर रहा है, ये बीज बो रहा है। आमीन। परमेश्वर का वचन यहां से बोया जाता है, पर कहां पर आपको रखना है ये आपके ऊपर है। आमीन। आपका दिल, आपका ये जो दिल है, आपने क्या उसको रास्ते का जैसा बना के रखा है कि कोई बात नहीं प्रभु अभी सुनता हूं, बाद में शैतान को भेजता हूं, अभी लेता हूं बाहर जाके देता हूं। ये हुआ पहला। दूसरे में हम आते हैं, जब हम दूसरे में आते हैं, चट्टान पर के वे हैं। आमीन। चट्टान पे के वे हैं कि जब सुनते हैं, यानी सुनते हैं यानी उनके उनके हम लोग बोलते हैं ना, तू सुनते पारिस ना, की बोल अभी की बार बार बोलो, तो हम चेक करते हैं सुनता है कि नहीं, पर तो बाइबल हमें क्लियर बोलता है इनके कान हैं। आमीन। हालेलुया। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो कैसे लेते हैं उसे, आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय कहना है वो थर्ड पिक्चर No, another one. Yes, this one. Can you make it pink little bit? Zoom it. ये क्या है? ये जो है, ये चट्टान पे या rocky soil पर बोया गया एक पेड़ है। Amen. और ये जो पेड़ है, ये खूब ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा। इसका एज इतना ही है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा। क्योंकि
इसको सही तरह से हर एक चीज नहीं मिलेगा। बहुत सारे चर्च में, हमारे चर्च में या बहुत जगह में लोग परमेश्वर के पास आते हैं सिर्फ चंगाई को लेने के लिए। आमेन। बहुत सारे लोग आते हैं, चलो तुम सुस्त तो है जाबे, यस लेट्स गो, चंगाई तो मिल गया। आमेन। चलो इखने प्रार्थना होवे, तुम्हारी चाकरी निश्चय ईश्वर दया करबे, आज चाकरी भी हो गया। आमेन। चंगाई भी हो गया और क्या हो गया? चंगाई हुआ और हो गया। अब फिर से अगर बीमार हो गया तो वो इस रॉक की तरह है। आमेन। वो फिर से उसका विश्वास खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने तो सुना तो था परंतु अपने आप को उसने रॉकी सॉइल करके तैयार किया था। आमेन। उसने अपने आप को चट्टान की मिट्टी को बनाकर स्पेस किया था, इसीलिए वो बीज वहीं पर गिरा। हम उत्साह और आनंद से तो परमेश्वर के वचन को लेते हैं, परंतु हम परमेश्वर के वचन को रखते नहीं हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन को रखेंगे नहीं, हमें दिखेगा कि हमारे अंदर पौधा तो हुआ है परंतु ये आगे और नहीं बढ़ेगा। हम आगे और नहीं बढ़ सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन को एक्साइटमेंट होकर ले तो लेते हैं। यहां पर शायद बहुत लोग होंगे जो सिर्फ चंगाई लेने आए, आप ऐसे हो। आमेन। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, चलो चर्च में प्रार्थना करो, एक दिन निश्चय ईश्वर हमके चाकरी देवे। चलो मिल गया चाकरी। आप यहाँ हो, कहाँ हो? याद है वो क्या कर रहा था? बीज बोल रहा था। आशीष जी भी वही काम करते हैं। क्या करते हैं? बीज बोते हैं। मैं बीज बोता हूँ। कहाँ गिरना है ये आपके ऊपर है। आमेन। मेरा काम है बीज फेंकना, परंतु आप कहाँ पर उसको रखोगे ये आपके ऊपर है। पहला बीज हमने देखा कहाँ पर? मार्ग के किनारे। चिड़िया आए, शैतान आया और बहुत आराम से चुग के चला गया। आमेन। शैतान आया और बहुत आराम से आपके विश्वास को उड़ा कर लेकर चला गया। शैतान आया और परमेश्वर के इस वचन को बहुत आराम से लेकर चला गया। आमेन। और आप फिर से संडे आते हो, फिर आप वही रखते हो, फिर से आते हो, फिर वही रखते हो, फिर से आते हो, वही रखते हो, और शैतान आता है और ले जाता है। आप आते हो और दे देते हो। ये आदान और प्रदान आपके जीवन में चलता रहता है। पर सेकंड चीज जो है वो है चट्टान के ऊपर। आमेन। अभी प्रभु के अनेक भलवासी, अभी प्रभु जन्ने जीवन दीते पारी। हम तो मर सकते हैं, कट सकते हैं, खत्म हो सकते हैं पत्रस की तरह। प्रभु यीशु तुझे जो छुएगा हम तो काट देंगे। छुरी कहाँ है? वो इधर ही है। कोई तुझे छू नहीं सकता यीशु। अगर कोई तुझे छुए तो सबसे पहले मुझे छुए। तुझे कोई मारे तो सबसे पहले मुझे मारे। पत्रस कहां गया था? पत्रस कहां चला गया? आमेन। एक्साइटमेंट, लोग एक्साइटमेंट होकर लोग आते तो हैं परंतु ठहर नहीं पाते हैं। हमें चंगाई को प्राप्त करना है, हमें अच्छी चीजों को प्राप्त करना है। लोग परमेश्वर के पास आते हैं, अनेक लोग ईश्वर का चाहे की है हम सुस्त हो जाओ, हम ये हो जाओ, यस गुड, ঈশ্বর নিশ্চয় আপনার সুস্থ করবেন, ঈশ্বর নিশ্চয় আপনার জীবনে ভালো কাজ করবেন, ইউ হি উইল ডেফিনেটলি গিভ ইউ গুড জব। ইজ নট, আমি বলছি না সেটা ঈশ্বর করে না, সেটা ঈশ্বর করে, বাট ইট ইজ আ পার্ট অফ ব্লেসিং, দিস ইজ নট আ রিয়েল ব্লেসিং। আমেন। ইয়ে আশিস কা এক ভাগ হ্যায়, পরন্তু ইয়ে আশিস কা মূল নহি হ্যায়। দিস ইজ নট দ্য মেইন ব্লেসিংস। The main blessing है जिससे शैतान डरता है वो है उद्धार।
Amen. शैतान चंदाई से नहीं डरता है, याद रखना। शैतान आपके नई नौकरी से नहीं डरता है, शैतान सिर्फ एक चीज से डरता है, वो टिकट। अगर वो टिकट आपको मिल जाए तो आप परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे। Amen. वो उसी से डरता है, उसको उसी से डर है, और इसीलिए वो सारा दिन मेहनत करता है आपके अंदर ये सारे गलत कामों को डालने के लिए। Amen. Hallelujah. Hallelujah. আমি তো গেছিলাম, হ্যাঁ দু বছর আগে গেছিলাম, কিন্তু এখন চার্চে যাই না কেন? ও সেই সময় তো আমি ঠিক হয়ে গেছিলাম, কিন্তু তারপর থেকে জানি না আমি কেন অসুস্থ হয়ে গেছি। আমি এখনো যিশু থেকে প্রার্থনা করছি, আমি এখনো চার্চে যাই না, আমি বাড়িতে বসেই প্রভুকে ডাকছি। ইউ আর আ রকি সয়েল। আমেন। আপ তো উস চট্টান কে মিট্টি কে সমান হো। এখন মাঝে মাঝে যাই, মাসে একবার যাই, দু মাসে একবার যাই। ও গুড ফ্রাইডে আসছে, সেই সময় যাব। ও এখন আবার আমাদের বড় দিন আসবে, ক্যারল হবে, ডান্স নাচতে যাব। আর সারা সাল খুদ নাচ রহে। দিস পিপল আর স্ট্যান্ডিং অন দ্য রকি সয়েল। Yes. Hallelujah. Hallelujah. I don't love to preach ear pleasing. मैं कान को पसंद वाले वाले चीजों को नहीं बोलता। Amen. Amen. जब मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया, प्रभु को ग्रहण किया, तो सबसे पहले परमेश्वर ने मुझसे जो बात किया वो है बुक ऑफ यरमिया की पुस्तक से। जब मैंने अपना जीवन दिया, एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड मिनिस्ट्री, जब मैंने परमेश्वर की सेवा स्टार्ट की, तो उस समय परमेश्वर ने मुझसे जो बात किया वो यर्मिया की पुस्तक से। और वहां पर लिखा है कि यर्मिया गड्ढे के अंदर है, गड्ढे के अंदर है, और राजा उसको बोलता है कि यर्मिया मैं बच जाऊंगा, मैं क्या ठीक हो जाऊंगा। तो यर्मिया गड्ढे के अंदर से बोलता है, राजा आज ही तो मरेगा। तो राजा बोलता है, देख मेरे हाथ में तरवाल है, देख मेरे हाथ में तरवाल है और तेरी गर्दन सामने है, अगर तू अपनी बातों को चेंज कर देगा तो तू बच जाएगा। तो यर्मिया बोलता है, हे राजा, ये यर्मिया के शब्द नहीं, ये परमेश्वर के शब्द है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये परमेश्वर के शब्द है। तो बाइबल बताती है यर्मिया तो बच गया, परंतु उसी दिन राजा मर गया। Amen. और वहीं से मेरी सेवकाई स्टार्ट होती है। Hallelujah. मैं राजा की नहीं सुनता, परंतु जिसने हमें और आपको बनाया है। सो आई डोंट लव टू प्रीच ईयर प्लीजिंग, यू नो। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे हैं रॉकी सॉइल, कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, हम ऑनलाइन जुड़ते हैं, हम ऑनलाइन जुड़ते हैं क्योंकि हम आ नहीं पाते हैं चर्च में। परंतु आप देखिएगा उन लोगों का फेसबुक और व्हाट्सएप में हर जगह शॉपिंग मॉल में घूम रहे हैं, आप पिकनिक में घूम रहे हैं, दीघा में नहा रहे हैं बिना साबुन का, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर के लहू का उन्हें जरूरत नहीं है ताकि वो उन्हें शुद्ध कर सके, वो उनको रिफ्रेश कर सके। लोगों को लगता है कि बाहर घूमने से हम रिफ्रेश हो जाते हैं, इट्स गुड, ये संसारिक रूप से सही है, परंतु स्पिरिचुअली अगर रिफ्रेशमेंट चाहिए, यू हैव टू कम टू हिज हाउस। आपको परमेश्वर के घर आने की जरूरत है। बहुत एक्साइटमेंट से हम लोग ग्रहण तो कर लेते हैं, परंतु आज ऐसे कितने लोग हैं आपके पास में, बहुत ऐसे लोग बैठते थे, आज वे नहीं दिखते। आमेन। आज वे नहीं दिखते हैं। आमेन। थर्ड 15 कौन है ये तीसरे व्यक्ति कौन है? झाड़ियों में गिरा। आमेन। जो झाड़ियों में गिरा, कहां गिरा? झाड़ियों में। झाड़ी देखा आपने? हाँ देखा है।
ओके, कांटे हैं आसपास इसके बीच में, जो सुनते हैं क्या करते हैं, सुनते हैं। क्या करते हैं, सुनते हैं। जो सुनते हैं। जो सुनते हैं उसके बाद बहुत सुंदर वचन है, जो सुनते हैं पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जिस पेड़ों को हमने झाड़ियों के अंदर गाड़ा है, उस बीज को हमने झाड़ियों के बीच में, उस बीज के अंदर, वो बीज में हम डाला है हमने, और वो बढ़ता तो है परंतु फलता नहीं है। और ये झाड़ियां कौन है? ये झाड़ियां हमारे सुख विलास। हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं परमेश्वर के वचन से, हम समझौता करते हैं परमेश्वर के वचन से। हमरा बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम, जैसे ही कोई सिचुएशन ऐसे क्रिएट होता है हम उसका साझा करते हैं, और जैसे ही हम उसका साझा करते हैं हम पाप के पार्टनर बन जाते हैं, और जैसे हम पाप के पार्टनर बन जाते हैं उसी तरह हमारे जो चारों तरफ है वे झाड़ियां लगना स्टार्ट हो जाती है। आमेन। फिर हम कभी भी फल नहीं ला पाएंगे, क्योंकि ये झाड़ियां परमेश्वर नहीं हमने डाले हैं। आमेन, है ना। जब हमारे लाइफ में चिंता आती है, जब हमारे लाइफ में बहुत सारा प्रेशर आता है, जब हमारे जीवने अनेक कष्ट समस्या आसे, हमरा प्रभुर पथे आर बेसी दिन थाकते आमेन। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हें इस संसार में क्या होगा, क्लेश होगा। आमेन। प्रभु यीशु ने कहा है अगर कोई इस यहाँ पर कोई भी है, कोई भी यहाँ पर है, कोई भी यहाँ पर है, अगर आपको किसी ने बोला है कि प्रभु में क्लेश नहीं है तो उन्होंने झूठ बोला है। Yes. Amen. Amen. प्रभु में क्लेश है। Yes. Amen. Amen. परंतु ये बाहर वाला क्लेश नहीं है, ये अंतरात्मा का क्लेश है। Amen. Amen. Yes. Hallelujah. Hallelujah. You know, जो झाड़ियों में गिरा सो वे हैं जो सुनते हैं पर होते होते चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुछ लोग हैं, मैं बहुत बार गवाही भी देता हूं, बहुत लोग बोलते भी हैं, क्या मैं प्रभु अमीर प्रत्येक रविवार तुम्हारे काचे आसपो, परंतु जैसे ही कोई काम या नौकरी मिल जाता है बोलता है टाइम पाची ना, ये फंस जाते हैं। ये वहां पर फंस जाते हैं। वे कहते तो हैं, वे बोलते तो हैं कि प्रभु हम ईमानदार रहेंगे, परंतु वे बढ़ना भी चाहते हैं परंतु अपने आप को खुद से फंसाते हैं। मैं एक बहन से पूछा, आप संडे आराधना में मैंने आपको देखा नहीं क्यों? बोले पास्टर जी आपको कैसे पता चला मैं नहीं आई, इतना भीड़ में आपने कैसे? मैं बोला कभी कभी ऐसा दिख जाता है, कभी कभी समझ नहीं आता है, पर ऐसा लगा आप नहीं आए थे। हाँ ठीक बोल रहे, आप नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे आप, क्या कारण था? क्या बोलेंगे पास्टर जी, इतना ये जो क्रिसमस गया, ये जो कैरल गया, ये जो सब कुछ गया, इतना सब कुछ गया, इतना कपड़ा जमा हो गया था कि हम रविवार को कपड़ा धो रहे थे। क्या कर रहे थे? आज ये उदाहरण मैं पूरा तीनों सर्विस में दूंगा, आप वो बहन जरूर सुने। आप तो झाड़ी वाले, आपका मोह माया कपड़ा है, संडे की आराधना नहीं है। आमेन।
आपका मोह माया तो वो वस्त्र है, संडे के रात का नहीं है। आपका मोह माया तो वो सारे दोस्त और फ्रेंड है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, परंतु परमेश्वर को छोड़ सकते हो। आप अपने प्रिय दोस्तों के लिए परमेश्वर को छोड़ सकते हो। आप वो झाड़ी में बोए हुए बीज हो। आमीन। बहुत सारे लोग हैं जो लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं और प्रार्थना एक ही रहता है कि मैं जो चाह रहा हूं अगर वो मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो चर्च नहीं आ सकते हैं। आप देखना कुछ लोग कंटिन्यू रविवार में संडे आते हैं, आते हैं, आते हैं, आते हैं, आते हैं, अचानक नहीं आते हैं, है ना? अचानक वे क्यों? क्योंकि वे झाड़ी वाले बीच। आमीन। जब तक उनका सुख विलास का हर एक चीज मिल रहा था तब तक ठीक था, जैसे ही नहीं मिलता है दे फील अनकंफर्टेबल एंड दे डोंट कम। आमीन। और आपको पता है इसमें आपके दिमाग से कौन खेलता है? कैन आई हैव दैट पिक्चर? नो, नॉट दिस, नॉट दिस, नो नो, फर्स्ट वन, फर्स्ट वन, यस यस। शैतान आपको इस जगह से आपके लाइफ को खेलता है। ये क्या है, क्या है ये? व्हाट इज दिस? क्या है ये? यहां ये एक बंजर जमीन है और एक ऐसा ही जमीन है, दिखाओ। ये झाड़ियां तो है परंतु यहां पर कोई जीवन हमें नहीं दिखता है। क्या नहीं दिखता है? जीवन। आमीन। बहुत सारे लाइफ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहां पर, हम लोग कहीं ना कहीं झाड़ियों में फंसे हुए हैं। आमीन। आमीन। या अपने फैमिली को लेकर, या अपने पति पत्नी को लेकर, या अपने बच्चों को लेकर, या अपने हेल्थ, अपने शरीर को लेकर, हम कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और शैतान हमें ऐसा दिखाते, ऐसा बनाना चाहता है। कैसा? कैसा बनाना चाहता है? कैसे बनाना चाहता है? शैतान के नजर में सिर्फ एक ही पिक्चर है। दिया बोले सामने से तो एकटा ही छोभी थके, एक ही पिक्चर है, वो क्या है? ये वाला जो हमारे लिए। आमीन। ऐसा पिक्चर शैतान चाहता है हमारे जीवन में और हमें पता नहीं चलता है, আমরা বুঝতে পারি না কি শয়তান আমাদের লাইফে এইভাবে কাজ করছে, দিয়াবল এইভাবে প্ল্যানিং করছে, কিন্তু আমরা ওর প্ল্যানিং এ আমরা ওর সাথে সাথে যাই, কিন্তু একদিন এরকম আসে আমরা আর ফিরতে পারি না। এরকম একটা টাইম আসবে আপনি যতই চেষ্টা করবেন কি চার্চে কেউ লোক আমার কাছে আসুক, পাশেজি আমার ফোন তুলছে না, পাশেজি আমাকে টাইম দিচ্ছে না, পাশেজি আমার জন্য প্রার্থনা করছে না, সেই দিন আপনি ফিরতে পারবেন না। হালেলুয়া, হালেলুয়া। সেই দিন ওই প্রথম ছবি বীজ ও আপনার জীবন মে নাই রহেগা মেরে প্রিয়, কিউকি বীজ অলরেডি আপনি इस भूमि पर गाड़ा है। आमीन। आपने किया है, परमेश्वर ने नहीं किया है। आमीन। हालेलुया। एक दिन, एक वक्त ऐसा आएगा मेरे प्रियो, आप कोशिश करोगे परंतु नहीं होगा, नहीं होगा। अगर आज आपको लगता है I'm very busy, and you will be very, 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 very busy. You will be very, very busy. आप सच में बहुत बिजी हो जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा, वो बिजीनेस में शैतान आपको यहां तक लेकर आएगा और जहां पर आप सिर्फ रोग या कष्ट में रहोगे। आप बढ़ना चाहोगे परंतु बाइबल में क्या लिखा है? झाड़ियां उन्हें बढ़ने नहीं देगी। वे झाड़ियां कौन सी है? वे झाड़ियां हमने तैयार किया है। Amen. Hallelujah. बोने वाला बीज बोने वाला
वाला तो बीज बो रहा है, आमीन। बोने वाला अपना काम कर रहा है, परंतु आप क्या कर रहे हो? आमीन। आप क्या कर रहे हो? फोर्थ, पर अच्छी भूमि में के वे हैं, कौन है? जो वचन सुनकर, यानी उनके भी कान है, सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। क्या करके रहते हैं? क्या करके रहते हैं? क्या करते रहते हैं? जो संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। आमीन, हालेलुया। जिनके मन में धैर्य हो, धीरज हो, जिनके मन में संयम हो, ज्यादा लाइफ है, शक्ति, प्रभु वाक्य आचे, जिनके दिल में परमेश्वर का वचन है, दिमाग में नहीं। आमीन। परमेश्वर दिमाग के बारे में नहीं कहता है, परमेश्वर हृदय के बारे में कहता है। आमीन, हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे, जो लोग दिमाग वाले हैं परमेश्वर उन्हें क्या कहता है। आमीन। The word of God, when the seed of the God is planted in the human heart, the devil will do everything possible to destroy it. Jokhon ei prabhur bakko apnar hridoyte jokhon dewa hoy, shaitan diabol o sob kichu chesta kore ki kibhabe oi bij apnar jibone o noshto korte pare. Yes. Amen. Hallelujah. जब आप वचन सुनते हो, आप देखना, आपके आपका फोन आता है, आपका फोन आता है और आप दरवाजे को खोलते हुए फोन करने जाते हो और उसी समय कोई बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति फोन करता है। जब आपसे पूछा जाता है, आप परमेश्वर के वचन के समय आप फोन करने क्यों गए थे? अगर जरूरी नहीं होता ना पास्टर जी, तो हम वो फोन सैदान तो किसी को भी बोल सकता है, चल इसको फोन कर। आमीन, आमीन। वहां सैदान ने वो बीज को चोरी कर लिया, आपको पता भी नहीं चला, आपको पता भी नहीं चला। चर्च में आके 50 बार आप बाथरूम जाते हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे बैठे प्रचार सुनते सुनते अचानक से व्हाट्सएप खोलते हैं, देखते हैं कोई मैसेज तो नहीं आया, फिर उधर आमीन। सैटन विल ट्राई हिज ऑल द थिंग्स। आमीन। कभी 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 इंटरनेट से भी फास्टिंग लिया करो। फास्टिंग, फास्टिंग कभी कभी लिया करो। कभी कभी ऐसा करो कि 5 घंटा आज हम भले खाना खाओ, 5 घंटा हम इंटरनेट से दूर रहेंगे, 5 घंटा हम 10 घंटा दूर रहेंगे। कभी कभी ऐसा ना हो कि ये आपको कमजोर कर रहा है, किंतु कहीं ना कहीं आपको वीक कर देता है ये। आमीन, आमीन। व्हाट बाइबल सेज, कि जो अच्छी भूमि पर बोए गए हैं वे क्या लाते हैं? आमीन। परमेश्वर हमें कैसा देखना चाहता है? परमेश्वर हमें ऐसा देखना चाहता है। कैसा देखना चाहता है? परंतु शैतान हमें कैसा देखना चाहता है? Can I have the another picture? Not this, another one. Another one. Is there anyone? No, no. Have you downloaded it? I do not know. Is there any other picture? I think you have not downloaded. I have sent this. Okay, no problem. Maybe next service I will. Just have this, that green one. ऐसे ये green ही है और एक picture. ये वाला यस यस
दिस वन ओनली। आप देखिए ये जो, अगर आप ठीक से जूम करके देखें इसमें, इन सारे पिक्चर को मैं आपके व्हाट्सएप में डाल दूंगा, आपके ग्रुप में हम लोग जरूर डाल देंगे ताकि यू कैन लुक एट दैट। ठीक है, आप इसको अगर ध्यान से देखोगे, ये सिर्फ पौधे नहीं है, इसमें फल भी आ चुके हैं, इसमें ऑलरेडी फल भी आ चुके हैं। ये वो चौथा चीज है जिसमें, जिसको पानी भी मिला, जिसको खाद भी मिला, जिसको मिट्टी भी मिला, जिसको जड़ भी मिला, जिसको हवा भी मिला, जिसको पानी भी मिला, और उसको कोई रोक भी नहीं पाया। उसको कोई रोक नहीं पाया, इसलिए वो बढ़ रहा है। ये तभी कोई रोक नहीं पाएगा जब ये पौधा, ये मिट्टी डिसाइड करेगा कि मुझे कोई रोकने वाला ना हो। तो ये आपको निर्भर करना है, एटा आपनर काज, आपको सोचना है कि कोई मुझे मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकता। ये आपको सोचना है, यू हैव टू डिसाइड। यू नो, चंगाई पाना बहुत बड़ी बात नहीं है, और अच्छा जीवन पाना बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु फिर से बीमार पड़ जाना ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर से गरीब बन जाना, फिर से नौकरी चला जाना ये भी कोई बड़ी बात नहीं। हम लोगों ने देखा है कोविड के समय लोग रास्ते पे आ गए। आमीन, हालेलुया। मैं कोविड के समय ऐसे ऐसे फोन को अटेंड किया जो मुझे मेरे विश्वास से बाहर था। आमीन, कोविड के समय कुछ लोगों ने मुझे प्रार्थना के लिए बोला कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं बोला क्या प्रार्थना करूं भाई, आप तो अच्छे आदमी हो, आपको क्या दिक्कत नहीं। पास्टर जी मैंने बहुत बड़ा इन्वेस्ट कर दिया था, मुझे पता नहीं था ऐसा होगा, मैं अपना कार बेचना चाहता हूं। मैं बोला भाई रे क्या हो गया तुझे। बोला मैं तो एकदम खत्म हो गया। तो मैंने, या आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा, सिर्फ मैंने ही नहीं देखा, आपने भी देखा होगा ऐसे लोगों को जिन्होंने बहुत अच्छी कंपनी स्टार्ट की थी परंतु वे खत्म हो गए। आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो नौकरी मिला, आपको मिठाई खिलाया, परंतु आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि वो रोते हुए एक दिन ऑफिस से घर आया और बोले मेरी नौकरी चली गई। आमीन, आमीन, परंतु मैंने ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जिसे बहुत मारा गया, पीटा गया, एकदम अधमरा कर दिया, मार ही दिया गया, परंतु जैसे ही सारे लोग चले गए वो फिर से खड़ा हुआ, प्रचार करता हुआ चला गया। आमीन, अगर आप सही जगह में हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आमीन, आइए हम कुछ ऐसे 10 चीजों को देखेंगे जो अच्छी भूमि पर जो बोए जाते हैं उनके लिए वो चैलेंज है। आमीन, वेरी पावरफुल थिंग्स, मे बी आई विल जस्ट गो लिटिल फास्टर। दीज आर मेनी चैलेंजेस दैट वी विल हैव टू फेस इन ऑर्डर टू रिटेन द सीड इन आवर हार्ट। कुछ ऐसे चैलेंजेस है जो हमारे दिलों में बोया गया, उसको हम कैसे ठीक रख सकते हैं। पहला चीज जो आप, जो अच्छी भूमि पर बोया गया, आमीन, जो जो फोर्थ, विच वन फोर्थ है ना, चर्च में आने से लोगों को नींद आता है, क्या आता है, क्या आता है, कहीं नींद नहीं आता है चर्च में। जैसे ही ढुका आपको नहीं दिखता, मुझे दिखता है यहां से सब। आमीन, मुझे यहां से कौन मुझे देखता है, कौन इधर उधर देखता है। पूरा 2 घंटा यही करता है वो। कोई बच्चा खेल रहा है तो उसको देख। आमीन, उसको खेलने दो, तुम क्यों खेल रहा है।
बच्चा खेल रहा है, तुम काहे खेल रहा है? जब पूरा समय रहता है तो कभी भी बच्चा लोग को खिलवाता नहीं है, चर्च में आता है तो बड़ा बच्चों को प्रभु प्यार करता है। Stop all those things. ये सब शैतान के ही योजनाएं। First, जो अच्छी भूमि पे बोए गए हैं वे कौन है? First, उनके लाइफ में सबसे पहला चैलेंज आता है मॉकरी। Amen. जब आप भी प्रभु पाते चल बे, जब आप परमेश्वर के वचन में अच्छी तरह से चलोगे, लोग आपको मजाक उड़ाएंगे। Amen. Hallelujah. लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, की कोचो तुम्ही टाइम वेस्ट कोचो, कोथाई जाचो, की कोचो प्रत्येक रविवार, एवरी संडे, व्हाई यू आर गोइंग? अपना गेस्ट अपना के रोज फोन करे, अपना रिलेटिव रोज फोन करे, अरे हमारे रविवार छुट्टी, तुम्ही क्या टाइम दिच्छो ना रविवार करे? दाओ टाइम, दाओ दो समय, दो रविवार के दिन। आपके दोस्त बोलते हैं, है ना, पर जब आप समय नहीं देते, अच्छी भूमि का बात कर रहा हूं, आप बोलते हो परमेश्वर का घर पहला है, तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, परंतु हम स्थिर रहेंगे। आमीन। सेकंड चैलेंज यू कैन फेस, पीपल विल डिसबिलीव। हालेलुया। लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, परंतु आपका भरोसा प्रभु में रहना चाहिए। अनेक जन अपना साथ और भलो भावे कथा बोले ना, अपना विश्वास करे ना, अनेक जन नो प्रॉब्लम। आमीन। कोई बात नहीं है। थर्ड, वर्ल्डलीनेस, संसारिक चीजें जो आपको चैलेंज देगी। Amen. पास्टर जी बोले हैं, ओ हिंसा नहीं करना, लालच नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो क्या करना फिर? तो जिंदगी में मजा कहां से आएगा? पूरा जिंदगी का रस चूस लेता है पास्टर जी और बोलता है मैंगो मीठा। कैसे मीठा? हिंसा करेंगे तो ना मजा आएगा, चुगली करेंगे तो ना मजा आएगा, टांग खींचेंगे तो ना मजा आएगा, ट्रेन में उठे हैं, कोई चोर को पकड़ा, सब मार रहे, हम भी तो घूसा मार के चलेंगे तो ना मजा आएगा। है देखे ना हाथ साफ, मैं देखा एक बार श्यामनगर स्टेशन में अचानक थ्रू ट्रेन, वो श्यामनगर में रुकता नहीं है, उस दिन रुक गया क्योंकि इतना अवरोध हुआ, इतना ये हुआ, और उसके बाद बहुत लोग मार रहे मार रहे, तो दो आदमी उधर से आ रहा, बोला तो अब मैं खिड़की को इधर बैठा हूँ, तो बोला तो हमको पूछा क्यों हो चे? हम लोग ओ नहीं चोर नहीं, एक छोटी लड़की को गलत तरह से टच कर रहा था वो इंसान, छोटी सी लड़की 4-5 साल की थी शायद, मैंने बताया था एक बार पहले आप लोगों को, तो वो तो सब उसको पीट रहे हैं, तो फिर वो हमसे बोलता क्यों चमला होई छे किछु ओ एक छोटो में आज आवाज ताई तो इरा सवाल होके मार रहा है, तो फिर बोला चल चल तू तो दिया है चल चल, वो उसको बोल रहा है और मैं बोल रहा हूं मजेदार थी यार, ये दोनों जाके ऐसे मार 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 ऐसे करने वाले बोले चल। पास्टर जी ये सब करने नहीं देते हैं, कैसे मजा आएगा जिंदगी में? पास्टर जी तो कुछ ऑफर ही नहीं देते हैं, कहीं कुछ तो ऑफर दो तब तो शॉपिंग मॉल में आए, कुछ तो डिस्काउंट दो, कुछ तो कॉम्बो दो, कॉम्बो कुछ तो दो। Worldliness is attraction. संसारिक चीज आपको आकर्षित करती है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. जवानों को प्रभु बोलते हैं, पास्टर जी भी यही बोलते हैं, अरे पढ़ाई करो, ये करो, अरे पढ़ाई तो करेंगे पर कॉलेज जाएंगे, इंटरेस्ट तो होना चाहिए, दो तीन लड़कियां मेरा इंतजार करे तब तो रोज कॉलेज जाए। या लड़के 5-6 इंतजार करे तब तो मैं कॉलेज जाऊं,
लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं रखा है पास्टर जी ने, सब काट के रख दिया है। इसीलिए मैं महीना में एक बार चल जाता हूं, और पता नहीं जब भी जाता हूं पास्टर जी वो टॉपिक उसी दिन ही बोल देते हैं, और यहां लगता है यहां हो सकता है ऐसे लोग बोलते नहीं अपन तो यहां लगता है अब फिर घायल हो गए। वर्ल्डलीनेस, फोर्थ इज द वरीज ऑफ लाइफ। लोग आपको आपको इंजेक्ट करेंगे, जो अच्छे बीज में बोए गए हो लोग आपको इंजेक्ट करेंगे। तुम्हें अपना जीवन का चिंता नहीं है, आपको आके बोलेंगे तुम्हें तुम्हारा बेटी का चिंता नहीं है, तुम्हें तुम्हारा बेटा का चिंता नहीं है। जब तक हम संसार में थे कोई ऐसा नहीं बोलता था, परंतु जैसे ही प्रभु में आए इतना चिंता करने वाला लोग आ गया हमारे जीवन में। आमेन, हालेलुया। इतना फिकर करने वाला लोग आ जाता है, इतना सोचने वाला। तुर की माथा ये नहीं, वो सब समय देखे चर्चे जाए तोर छेले, ए तोर ये नहीं, अरे कोचिंग में जाए ना, इतना इतना दिन से कभी कुछ नहीं बोलता था, जैसे चर्च आने लगे चिंता करने वाले लोग आ जाते। क्योंकि आप अच्छी बीज में हो, इसीलिए शैतान हर तरह की कोशिश करेगा। आमेन। इतना दिन से मेरा बेटा या मेरी बेटी या कोई भी बाहर अड्डा मार रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, जैसे ही संडे स्कूल जाने लगा, चर्च यूथ मीटिंग जाने लगा, अगर सुसमाचार प्रचार करने लगा, ये तोर छेले स्टेटस देखे ये कोथाई की कोर्चे, तोर चिंता नहीं छेले के लिए, पर उसका बेटा उधर रोज सिगरेट पीता है उसके सामने, उसका उसका चिंता नहीं है, पर तो आपका बेटा का बहुत चिंता है उसे। yes, yes. बहुत चिंता है उसका। Amen. और आपको भी लगता है ठीक ही तो है, गाय जूते जा भी सबको भी चाचा एक टू एक टू पढ़ाओ तो अच्छे, पर आप जैसे उसको डिस्ट्रैक्ट करोगे वो बहुत दिन बहुत जल्दी उसी मोड में सिगरेट पीता हुआ मिलेगा, क्योंकि संसार हमें ऐसे ही खींच रहा है। Amen. The worries of life. तुम्हारे पति का नौकरी चला गया, क्या हुआ? कितना पति का नौकरी चला दिया बाहर, उसके पास तो कोई नहीं जाता है, ये तो हम चर्च जाते इसलिए मेरे पीछे पड़ा है, ये तो अच्छा बीज बोया गया इसीलिए ये मेरे पीछे पड़ा है। The worries of life. Amen. Fifth. The search for money. The search for money. जो अच्छी बीज में बोया गया हो उनके लाइफ में ये चैलेंजेस आएगा कि अरे इसके पास तो पैसा नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो कैसे तू पैसा कमाएगा? कुछ तो शॉर्टकट कर, कुछ तो गलत कर, क्योंकि अच्छी भूमि का बीज शैतान को वहां से क्या करना है, निकालना है, और निकाल के झाड़ियों में डालना है, नहीं तो पथरीली भूमि में डालना है, और नहीं तो मार्ग के किनारे डालना है। आमेन। शैतान पूरी तरह से कोशिश करेगा कि कैसे इसको निकाला जाए। आमेन। हालेलुया। इस संसार का अभी सबसे पहला गॉड पैसा है, संसार का, मैंने कहा, और यीशु ने कहा तुम अपने पिता शैतान संसार जो संसार का राजकुमार है तुम वहां से, है ना, यीशु ने कहा है, यीशु ने खुद कहा है कि वो संसार का राजकुमार। क्योंकि किसने बनाया? हमने बनाया, प्रभु ने नहीं बनाया। आमेन। इस संसार का भी सबसे पहला गॉड है मनी, पैसा। लोग किसी को शादी करते हैं तो सबसे पहले चले की काज करें कदम महीना, ऐसा पांच जन से पूछता है तो माँ बाप, लड़की का माँ बाप बोलता है अच्छा पांच जन जिज्ञेस कर और किंतु 80,000 की बोल बोले तो बोलबो, बाप बोलता है देखो तुम्हारे जमाने
ये मैं अपना काउंसलिंग का बात कर रहा हूँ, मैं कोई कहानी नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मेरे सामने बात हुआ है, मेरे सामने। देखो तुम्हारे जो मैं चाय पी रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, एंड दे आर टॉकिंग, गरम गरम चाय, अब वो दोनों बात कर रहे हैं। तो फिर मैं बोला ताले की भेबेचे, वही ठीक है जो 80,000 वाला है वो ठीक है, वही 80 ठीक है। तो मैं बोला क्या उसको खस्सी बनाएगा, मैं तो रोज काटेगा उसको। तो लोग मजाक भी बोले तुम 80 पकड़ के खस्सी बना देगा उसको, तो फिर कैसे चलेगा। आदमी खोजो, आत्मिक खोजो, तुम दोनों पापी, मैं ऐसे बोला तुम दोनों पापी, खाली पैसा एक बार भी, मैं मेरा चाय सुसु करके खत्म हो गया, पर एक बार भी मैं नहीं सुना कि आप दोनों में से एक बार भी कोई बोलेगा लड़का विश्वास में बहुत अच्छा है, ये मैं नहीं सुना। तुम दोनों ने भी ये नहीं कहा कि मेरी बेटी विश्वास में अच्छी है, उसे विश्वासी लड़का चाहिए, ये मैंने नहीं सुना। मैं बोला चाय खत्म, तुम लोगों का भी बात खत्म, तुम लोग खोज लो अपने से, अब मैं तुम्हारे बीच में नहीं, अब मैं सच में नहीं, क्योंकि संसार में भी पैसा ईश्वर हो चुका है। आमेन। अगर हम राज्य धर्म की खोज करें तो ये सारी वस्तु गई। आमेन। हालेलुया। मुझे याद है जब मेरी वाइफ का विवाह मुझसे होने वाला था, तो उनके रिश्तेदार लोग, ऐसे बहुत सारे लोग आए जो बहुत चिंता करते थे उसका, जो कभी चिंता नहीं किए, उसकी इतना चिंता दिखा रहे हैं, इतना चिंता दिखा रहे हैं, पास्टर से शादी करेगी भूखी मरेगी और कोई नहीं मिला, उन लोगों के जीवन में इतना ही अकाल सुकाल तिकाल भुकाल और क्या क्या रहता है, भुजाल और कोई चुन लेती। The people are search for money. Amen. Amen. हमें कुछ दिन, बस कुछ दिन हो रहा है, शायद 6-7 महीना भी नहीं हुआ है, हमने ऐसे लोगों को हेल्प किया जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था, पास्टर से शादी की। Amen. Amen. You don't have to worry about money. You have to seek first the kingdom of God. Yes. Amen. Amen. मैं सारे टिप्स भी दे रहा हूँ जो लोग अपने बेटे और बेटी का खोज रहे हैं, ठीक है। 6, the pleasure of this world. Amen. Amen. The pleasure of this world is संसार का लोभ, इस संसार का लोभ, इस संसार का चकाचौंध की दुनिया, जो अच्छी बीज में बोया गया, जो अच्छी मिट्टी में बोया गया है, उनके लाइफ में ये सब समय रहता है कि और जीवन देखो, उसका जीवन देखो। हमें दूसरों का जीवन जब दिखता है तो शैतान हमें टेम्प्ट करता है। आमेन। शैतान हमें टेम्प्ट करता है कि देख उसका जीवन कैसा, इतना अच्छा जीवन, देख कितना सुंदर जीवन, देख कितना अद्भुत जीवन। Amen. Hallelujah. 7. The trials. जो अच्छी भूमि में बीज बोया गया उनके लाइफ में बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी। Amen. बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी। Amen. बहुत तरह से आपको आपको परखा जाएगा, बहुत तरह से आपको जांचा जाएगा। मैं बहुत पहले एक एक आप लोगों को उदाहरण भी बताया था, आई जस्ट वॉन्ट टू रिपीट। एक औरत थी जो परमेश्वर को ग्रहण की थी, मैं बहुत सॉफ्ट में बताता हूँ, बहुत सुंदर परमेश्वर को ग्रहण की, प्रभु को पाई और परमेश्वर में चल रही थी, परंतु वो एक विधवा औरत थी। और एक दिन उसके
पापा को और उसके भैया को और उसकी माँ को पता चल गया कि ये छिप छिप के हर संडे चर्च जाती है। और उस रात को सब लोगों ने उसे बहुत पीटा, बहुत मारा और कहा कि अगर तू ऐसा करेगी तो सोच लेना। दो सप्ताह उसको घर में बंद करके रखा, उसके बाद फिर वो वैसा ही करने लगी। तो एक दिन उसके खुद के भाई ने देख लिया उसे चर्च से निकलते हुए, और एक दिन उसे और भी बहुत पीटा गया, और इतना पीटा गया कि उसका पापा एकदम पागलों की तरह उसे मारने लगा। एक भी कपड़ा उसके बदन में नहीं था और उसको पीटते पीटते रास्ते पर ले गया, और फिर वो भागना स्टार्ट की। भागते भागते फिर वो लोग भी खोज रहे थे कहां है वो। तो रास्ते में कुछ लोग खड़े थे, काफी रात था, सन्नाटा रास्ता, बहुत लोग खड़े थे, कुछ लोग बैठ के कुछ शराब पी रहे थे या कुछ ऐसा कर रहे थे खड़े थे। तो उसके पापा ने और उसके भाई ने पूछा कि भैया आपने यहां किसी लड़की को देखा है? बोला लड़की? कैसी लड़की? बोला अभी एक लड़की यहां से गई है, आपने उसको देखा है? बोलता हाँ, अभी देखा है हमने, एक लड़की अभी यहां से थोड़ी देर पहले यहां से दौड़ते दौड़ते गई। बोला हाँ। तो उसने एक लड़की क्या पहनी थी? तो बोला हाँ, एक सफेद साड़ी पहनकर अभी यहां से गई। उसके कपड़े सादा साड़ी पहनकर वो दौड़ते दौड़ते गई। तो उसके पापा और उसके भाई ने अपने एक दूसरे को देखा, वे घर चले गए। आज वो लड़की एक पास्टर की वाइफ है। Amen. और दोनों मिलकर परमेश्वर की सेवा कर, एक छोटा सा गांव है महाराष्ट्र में, और उस गांव में ये दोनों मिलकर परमेश्वर की सेवा करते हैं। ट्रायल्स विल कम, परीक्षाएं तो आएंगी, परंतु आप कहां खड़े हो? अगर आप अच्छी भूमि में बरकरार हो तो याद रखना, परमेश्वर बेसी बारिश नहीं देगा ताकि वो बीज नष्ट हो जाए, वो पौधा खत्म हो जाए, इतना धूप नहीं देगा कि वो पौधा सूख जाए। He will take care of. He will definitely take care of everything. And eight is pain. Amen. दर्द, जो अच्छी भूमि पे है उन्हें दर्द होगा मेरे प्रियो, परंतु स्थिर रहना। Amen. स्थिर रहना। I'm going a little fast. You know, I have another 3 points. 9 है the suffering. बहुत तरह के सफरिंग आएंगे, चुनौतियां आएंगी आपके जीवन में जो अच्छी भूमि पर बोए गए हैं। आमीन। उनके जीवन में बहुत सारे सफरिंग आएंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, लोगों के बातचीत आएंगे, बहुत तरह के उलझने आएंगी, धोखा आएगा, तकलीफ आएगा, समस्या आएंगी, बीमारियां आएंगी। देखो ये तुझे डुबा नहीं पाएंगी क्योंकि मैं तेरे संग संग आपके पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी नहीं हो सकती है। Amen. बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो आपको चाहिए संसारिक चीजों में, मेटेरियलिज्म हो सकता है। इस समय एट दिस प्रेजेंट ऑफ टाइम आप प्रभु में हो, आपका बीज अभी जमीन में गया है, अभी तक जमीन को फाड़ कर बाहर तक नहीं आया है, और आपको अंधेरा दिख रहा है अंदर, आपको बहुत कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, आप बोल रहे हो कहां कुछ हो रहा है प्रभु में आके, किधर कुछ भी नहीं हो रहा है, ओ जब मैं कुछ मांगता हूं कुछ नहीं मिलता है, ओ जब मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु नहीं सुनता है, ओ जब मैं चंगाई मांगता हूं कुछ नहीं होता है, मटेरियलिज्म कुछ नहीं मिल रहा है, मैं भूख से मर रहा हूं, मैं कष्ट से मर रहा हूं, परंतु जो धैर्य रखता है परमेश्वर उसे कभी लज्जित होने नहीं देता है। जो
अच्छी भूमि पे। इसीलिए यशायाह की पुस्तक उसका 40:8 में क्या लिखा है, बुक ऑफ चैप्टर 40:88 व्हाट सेज, कोई पढ़ दे जल्दी से, पावरफुल वर्ड, कोई जल्दी से पढ़ दे 40:8। घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, फूल भी मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार के चीजों का कुछ भी तुलना अपने जीवन से मत करना। आमेन। हम तो अलग हैं। आमेन। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन प्रभुर वाक्य परमेश्वर का वचन, चाहे कोई मर जाए, खत्म हो जाए, अकाल आ जाए, महामारी आ जाए, कोरोना आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, जो आ जाए, पर मेरे अंदर तो परमेश्वर का बीज आया है, वो फलेगा एक दिन, वो जरूर फलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पावरफुल है। आमेन। हालेलुया। आग जला नहीं सकती मुझे परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है, एक एक वचन, कौन सा वचन, एक कोई भी बात नहीं है इसमें, एक एक वचन ताया हुआ है। आमेन। हालेलुया। एवरी वर्ड ऑफ गॉड इज टेस्टेड। आमेन। सारे वचन को परीक्षा किया गया है, वो अपने शरणगतों की ढाल ठहरा है, उसके वचन में कुछ क्या मत करो, क्या मत करो। हालेलुया। मत पढ़ाना और ऐसा ना हो कि तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। आमेन। जो अच्छी भूमि पे बोए गए हैं वे ऐसा काम नहीं करते। आमेन। अभी बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को बेचते हैं। आमेन। There are many people, they sell the word of God. फिर परमेश्वर के वचन को बेच कर अपने जीवन को जी रहे हैं। वे लोग अपने आप से ऐड कर देते हैं बहुत सारे चीजों को। एक दिन वे झूठे होंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। कौन बोल रहा है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर स्वयं उन्हें झूठा साबित करेगा। आमेन। मैं फेसबुक के सब जगह, मैं बहुत जगह भी देखता हूँ, लोग, आप लोग भी शेयर करते हो, पर आपको पता नहीं आप क्या शेयर करते हो, क्या शेयर करते हो। जो अच्छे बीज, जो अच्छी भूमि पे आप बोए गए हो, आप कुछ भी शेयर करते हो और आपको लगता है आपको अच्छा लगा, सबको अच्छा लगना चाहिए। आपने क्या परमेश्वर के वचन से एग्जामिन किया उसे? आमेन। क्या आपने परमेश्वर के वचन से मिलाया उसे बिफोर यू शेयरिंग एनीथिंग? आमेन। मुझे अच्छा लगा तो सबको अच्छा लगना चाहिए। तुझे शैतान ने परीक्षा में डाल दिया, तू दूसरों को क्यों डालता है? आमेन। मैं देखता हूँ हाँ, कुछ लोग जाते हैं और लोग चंगाई मांग रहे हैं और उन्हें चंगाई दिया जा रहा है, फेसबुक लाइव में किया जा रहा है। नो, दिस इज अ फॉल्स टीचिंग। मैं पुलपिट से कह रहा हूं, दिस इज अ फॉल्स टीचिंग, क्योंकि परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, परमेश्वर का वचन दिखावटी नहीं है। आमेन। अगर किसी की जिंदगी बदलेगी, अगर वो जंगल में भी रहेगा तो शहर में शोर मचेगा। अगर कोई गुफा में भी छिपा है और अगर उसका जीवन अद्भुत है तो पूरे दुनिया को पता चलेगा कि उस गुफा में एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत अच्छा, पवित्र है। आमेन।
अगर आपके जीवन में चंगाई है, आपके लाइफ में कुछ भी है, तो यीशु ने कहा चुप रहे, मत बोल, लोगों को जाके बोलने दे, तू क्यों ढिंढोरा पीट रहा है। आमेन, हालेलुया। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मैं ऐसा काम करता हूं, क्योंकि मुझे परमेश्वर का वचन ताया हुआ मिला है, मैंने टेस्ट किया है परमेश्वर के वचन को। जिसको चंगाई चाहिए वो मिल जाएगा उसे, ये आपके ऊपर है। आपने, मैंने बीज बोया, आपने कहां रखा, मुझे मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। चर्च इज नॉट द प्लेस ऑफ मार्केटिंग, चर्च इज द प्लेस टू ट्रांसफॉर्म द पीपल। परमेश्वर का घर लोगों के हृदय को बदलने वाला जगह है, उद्धार को लाने वाला जगह है। चर्च एक ऐसा जगह नहीं है जहां पर हम मार्केटिंग करते हैं। आमेन। हमने रिवाइवल प्रेयर भी बंद कर दिया फेसबुक लाइव, हमने फास्टिंग प्रेयर भी बंद कर दिया फेसबुक लाइव, क्योंकि अब कोविड नहीं है एकदम। ये सारी चीज कोविड के लिए सब स्टार्ट किया गया था, परंतु अब आपको ऐसा लगता है कि आप मंडे अवेलेबल हो, आओ प्रेयर करो, यहां घुटने टेको और प्रार्थना करो। फास्टिंग शुक्रवार को अगर आप फ्री हो 12 बजे के अंदर, आप आओ प्रार्थना करो और घर जाओ या अपने काम में जाओ। Amen. Amen. This is not the place, you know, you do all those things. तीन चीज मैं आपको बताऊंगा, ऐड नहीं करना कोई भी चीज परमेश्वर के वचन के सामने। आपको बोले थे, एक दिन एक आदमी से मैं मिला, वो आदमी बोला, मैं बोला अरे तू सिगरेट क्यों पीता है, तो मध्यमग्रह में मैंने कहा था एक बार क्यों सिगरेट पीता है, मुझे मुझको बोल रहा है पास्टर जी आपको मालूम है परमेश्वर भी सिगरेट पीता है। हम बोले ऐसा बात है तो दे हमको भी एक दे, पर देने से पहले हमको दिखा पहले, क्योंकि हम थोमा का चेला है, क्योंकि थोमा भारत आया था, हम पूरा जांच के देखना चाहते हैं अगर प्रभु सिगरेट पिया है। मैं सच बोलता हूं हर संडे यहां सिगरेट का वो ऑफरिंग होगा। हाँ मजाक मजाक करते हैं खाली, अरे मजाक कहाँ करते, तेरे मुंह जैसा खराब है इसीलिए मजाक करते हैं, बेकार जैसा मुंह करके बोलता है परमेश्वर। कहाँ लिखा है बाइबल में, बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर गुस्सा हो गया था उसके नथनों से धुआं निकल रहा था, नथनों से, जब परमेश्वर गुस्सा हो गया था इज़राइलियों के ऊपर तो उसके नथनों से धुआं निकल रहा था। वाह, तू तो स्कॉलर है, वाह, तब तो सिगरेट परमेश्वर ने ही सृष्टि की, वहीं से टपकने दो। फिर मैंने कहा कि ठंड के समय में तेरे मुंह से ऐसे ही धुआं निकलता है, वो क्या है, वो तो बाहर ठंड है अंदर गर्म है, ये सब तो बोला चुप कर ये सब। इसका ट्रांसलेशन ये है कि परमेश्वर अपने नाराजगी को नहीं लोगों तक लाना चाहता था, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो विलंब से क्रोध करता है। अगर वो क्रोध बार बार करे तो तू मेरे सामने बैठ नहीं सकता है। तू जो ये बात बोला ना परमेश्वर सिगरेट पीता है, तू अभी मर जाता है। ओ, ये मीनिंग है। हम बोला तू चालाक मत बन, तू अपने आप को चालाकी मत दिखा, मुझे कुछ भी ऐड नहीं करना और कुछ भी निकालना नहीं, नहीं तो घोर घोर विपत्ति तेरे ऊपर आ पड़ेगी। पास्टर जी कुछ भी कीजिए ताकि क्षमा मिल जाए। कुछ लोग अपने से ऐड करते हैं, कुछ लोग अपने से काट देते हैं, बोलो तो प्रभु पाप को तेरे को था किया चे, ऐसे झूठ मूठ बोलते हैं ताकि वो थोड़ा देर ही पाप कर ले,
बाद में जब तक आप खोजेंगे आप निकालेंगे तब तक आगे बोलते हैं अभी तो पाप करे दिए तुम्हारे आगे आगे वाक्य आसे नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग बोलता है वो खुजते तो आगे हो जाए भूल कर लो हो जाए। You cannot do all those things. Three things, the three secret I will tell you. The three secret to have a life full of fruit. Three secret. मैं तीन secret आपको बताना चाहता हूँ, जिसके कारण आपके पूरे जीवन में फल होगा। Amen. देखो मैं ऐसे ऐसी बात नहीं करता, है ना? मैं ये तीन सीक्रेट जो बता रहा हूँ है ना, बाहर भी बहुत सारे लोग बाबा ये बताते हैं, मैं वो बाबा नहीं हूँ। हाँ मैं ऐसा नहीं, आओ और यहाँ पर फूल चढ़ाओ, आओ यहाँ पर मोमबत्ती लगा दो, ये तीन सीक्रेट नहीं है, ये सीक्रेट कुछ अलग है। आमीन। कीप द वर्ड इन योर हार्ट एंड नॉट ओनली इन योर माइंड। पहला सीक्रेट, परमेश्वर के वचन को अपने दिल में गाड़ दो, अपने दिमाग में नहीं। भजन संहिता की पुस्तक उसका गीत संहिता 119:11 की बोल चे, भजन संहिता की पुस्तक उसका 119:11 में क्या लिखा है, मैं 5 मिनट में इसको खत्म करूंगा, कोई जल्दी से पढ़ दे 119:11। मैंने तेरे वचन को कहां रख छोड़ा है? दिमाग में नहीं। आमीन। परमेश्वर, पहला सीक्रेट, अगर आपको सच में इस तरह का लाइफ चाहिए, आपके लाइफ में फ्रूट चाहिए, आपके जीवन में फल चाहिए, तो आपको सबसे पहला सीक्रेट है कि परमेश्वर प्रभु पाक को हृदय के घेते नहीं। आमीन। परमेश्वर का वचन हृदय में गाड़ लो मेरे प्रियो। हालेलुया। यही सबसे अच्छी भूमि है, प्रभु यहां पर बीज डालना चाहता है। आमीन। हालेलुया। 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 सेकंड, फीड योरसेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड एवरी डे। सेकंड सीक्रेट, अपने आप को रोज परमेश्वर का वचन दिया करो। मती रचित सुसमाचार उसका 4:3-4 में क्या लिखा है, कोई पढ़ दे जल्दी से। The book of Matthew chapter 4:3-4। मती उसका 4:3-4। मती 4:3-4। तो हर दिन परमेश्वर का वचन अपने आप को खिलाओ, हर दिन। हाँ, किसी को अगर थायराइड हो जाए तो उसको रोज खाना है टैबलेट। किसी डॉक्टर का हिम्मत नहीं है कि थायराइड का दवाई बंद कर दे, कोई भी डॉक्टर की ओर से था ना उठा बंद कर देना एटा चला, वो आप भी नहीं बंद करते हो, आप भी चलाते रहते हो। परमेश्वर का वचन रोज अपने आप को दो, रोज एवरीडे। आमीन। फर्स्ट सीक्रेट, परमेश्वर का वचन। सेकंड सीक्रेट, रोज परमेश्वर का वचन खाओ, रोज। एवरीडे ईट द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। जब आप परमेश्वर का वचन खाओगे तो शैतान जब भी आपकी परीक्षा लेगा आपको याद रहेगा। आमीन। जब भी वो परीक्षा लेगा और वो आपको याद, अरे नहीं 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 लिखा है कि ये पाप नहीं करना चाहिए, लेखा आचे से पाप हमारे करते हो बिना कोई कहने आमी पोड़े चिलाम आमी खेची। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कोई आपको बोलता ढोकला खाया तबला, अगर कोई ढोकला खिलाया तो आपको बता जानी ढोकला टेस्ट के रुकूं, क्योंकि आपने कभी खाया था। और जब आपके लाइफ में नया कोई परीक्षा आता है तो आप सब तो एग्जामिन करते हो, परमेश्वर का वचन प्रभु आपको, ओ नो इट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। एंड थर्ड इज कम टू जीसस एवरी डे सो दैट यू मे हैव लाइफ।
Amen. Third secret, यीशु के पास रोज़ा. Amen. Every day come to Jesus. Amen. हर दिन यीशु के पास जाओ. Amen. हर दिन आप ब्रश करते हो? हर दिन. एक बार हम लोग ट्रेन में जा रहे थे और दो रात उसमें हमें रहना था, तो दो रात मतलब दो सुबह हो गया उधर. तो एक पास्टर ने बोला हमसे पूछा, वो आया बस कुछ लेकर, बंगाली पास्टर सुबह सुबह आ गए एकदम पूरा पैकेट लेकर. तो हमारे मेरा तो आदत नहीं है ये सब कैरी करने का, मेरा आदत है कुछ भी लेकर खा लेने का. तो आया हमारा एक बंगाली पास्टर और बोला, अजय वो भला चल, हाँ चलो किचो हो खड़ा है वो क्या असुविधा है, ना मुझे कहीं जाना है ना कुछ करना है, ट्रेन में बैठा ही रहना. अरे पैकेट में क्या, तो हमको पूछा मुंह धो लिया, ब्रश कर लिया. मैं बोला जंगल में कभी शेर से पूछा है कि ब्रश किया कि नहीं? बिना ब्रश करे ही तो खाता है, उसका दांत क्या खतरनाक है. तो अगर हम दो दिन ब्रश नहीं किए तो इसमें क्या है, खाने का क्या है, पेट को क्या मालूम हम दांत में ब्रश किया कि नहीं, पेट को खाना चाहिए. तू खिलाएगा तो बोल ना, ना बात ये रुकम का डर बोल है नहीं ना खाना सोती अपनी ब्रश कर लेना. हम अरे मैं सच बोल रहा हूँ. तो बोला क्यों नहीं किया ब्रश, अरे दिखता है इतना लंबा लाइन, कुछ लोग 4 बजे से लाइन है ब्रश कर रहा है ब्रश कर रहा है ब्रश कर रहा है. मैं बोला दो नहीं करेंगे आज ब्रश, ऐसे ही खा लेंगे. ये शादी के पहले वाला बात. उस समय ऐसे ही घूमते थे, जो भी हो कौन पूछता है कौन की? अभी बहुत पूछता है, बहुत प्रेशर है. Jesus every day so that you may have life. As we have already mentioned above, the seed is the word of God and the word of God is Jesus. Amen. The tree studies the scripture thinking that the studying them they were deserving of eternal life. They failed to recognize Jesus in spite of the word of God incarnate, the secret of the power of the seed. Amen. ये जो यहूदी लोग थे वे लोग यीशु को तो नहीं मानते थे परंतु वचन को मानते थे, वचन का बहुत इज्जत था उन्हें. तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बड़े आसानी से कहते हैं कि वचन को एक्सेप्ट कर लो. आमीन. और यहूदी लोग वचन को एक्सेप्ट कर रहे हैं ताकि वे एटलीस्ट रोज वचन के पास आए, और वचन ही यीशु है. और बाइबल में लिखा है, अगर आप यूहन्ना की पुस्तक पढ़ें वहां लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, वचन शरीर बना. Amen. वचन वो बॉडी बना, देह बना. हालेलुया. आज परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, आज परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है. God really wants to do something in your life. आज परमेश्वर पहला बीज कहां पर गिरा? Amen. दूसरा बीज कहां गिरा? तीसरा बीज कहां गिरा? चौथा बीज कहां गिरा? आपने बीज को कहां रखा है? ये आपके ऊपर. कभी चर्च को दोष मत देना, कभी किसी पास्टर को दोष मत देना. ये आप तय करते हो कि आपके जीवन में कौन सी आशीष रहेगी.
इस संसार का कोई भी व्यक्ति आपके लाइफ में तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक आप उस बीज को सही भूमि पर नहीं रखोगे। आपको ऐसा लगता है मैं चर्च आ रहा हूं परंतु कुछ नहीं हो रहा है, आज अपने आप को एक बार टेस्ट करो, एक बार जांचो कि आपने वो बीज कहां रखा है। आज फिर से वो बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकल रहा है। आज क्या आप अपने हृदय को तैयार करते हो? क्या आज आप अपने मन को तैयार करते हो? आज के क्या अपने निजे हृदय के प्रस्तुत कर चे कि वो बीज अपना हृदय से Let that seed come in your heart. अगर वो आपके दिल में आएगा तो वो कई हजार गुना फल लाएगा। Amen. Hallelujah. 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 आप कहें मैं अच्छी भूमि हूँ। Praise Jesus. Oh
give to Lord in our prayer. आइए अपने आँखों को बंद करें, सुना मैं मुझे झुक बंद हो रही हम प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। अद्भुत 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 परमेश्वर का वचन है, वो बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, कुछ राह के किनारे गिरे जिसे पक्षियों ने आया और चुग लिया, कुछ पथरीली भूमि में गिरे जहां उन्हें सही तरह से मिट्टी नहीं मिली, जहां वे जड़ नहीं पकड़ पाए और वे सूख गए और मर गए। कुछ बीज झाड़ियों के अंदर गिर गए, वहां उन्हें मिट्टी तो मिली परंतु झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया, इस संसार ने उन्हें दबा दिया। उनके अंदर पोटेंशियल था, उनके अंदर बढ़ने की ताकत भी थी, परंतु उन्होंने ही संसार को अलाउ किया अपने जीवन में, इसलिए वे बढ़ नहीं पाए। और सबसे महत्वपूर्ण, जो अच्छी भूमि में बोए गए, जो आज आप करते हैं, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख वो देख ले, बोने वाला बीज बोने चला। आज कितने लोग प्रस्तुत हैं अच्छी भूमि के लिए, आज कितने लोग तैयार हैं के प्रस्तुता से, God my heart is ready, प्रभु तू मेरे दिल में आज बीज बो दे, God you plant the seed in my heart। परमेश्वर का वचन अद्भुत है, अच्छी जमीन पर कुछ गिरे, बीज बोया जा रहा है तो वो बढ़ेगा भी और फलेगा भी, वो बढ़ेगा भी और फल परमेश्वर देगा। अच्छी जमीन पर कुछ गिरे, बढ़ने लगे और फलने लगे, कुछ सौ गुना सात गुना, कुछ तीस गुना, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख वो देख ले, वो बोने वाला बीज बोने चला, सुनते हो
प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि देख प्रभु इस संसार के मोह माया में हम खत्म ना हो जाएं। डायबॉल चेष्टा को चाहे अपराम चेष्टा को चाहे इस ट्राइंग इज बेस्ट, वो बहुत बहुत जोर लगा रहा है कि किसी भी तरह से इन लोगों के जीवन में उद्धार नहीं आना चाहिए, सल्वेशन नहीं आना चाहिए, पूरी क्रांति के आमादर के दूरे रखते चाहिए दिया बॉल। पर जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं याद रखना, बाइबल में लिखा है बीज परमेश्वर ही बोएगा। तो बाइबल में बहुत सुंदर वचन है, बाइबल बताती है मेरा पिता किसान है, प्रोटेक्ट मेरा किसान करेगा, प्रोटेक्ट मेरा प्रभु यीशु करेगा, बारिश से धूप से हर तरह के हीट से परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। ओनली वन थिंग, क्या ही ये बीज हमारे दिल में बोया जाए। अगर परमेश्वर का वचन दिमाग में है तो आ जाइए दिल में उतरने दीजिए उसे। Let us shift, आइए हम shift करें, आइए हम shift करें, आइए आज हम हमारे दिलों में shift करें, आइए हम संसारिक चीजों से परमेश्वर के राज्य में shift करें, आ जाइए हम उस झाड़ियों से shift करें, आ जाइए हम उस पथरीली भूमि से शिफ्ट करें, आ जाइए उस मार्ग के किनारे जो बीज है वहां से हम शिफ्ट करें और अच्छी भूमि में आए। वर्शिप, प्रेज यू माय जीसस, प्रेज यू माय जीसस, प्रेज यू। Sister Shoma can come forward to the last prayer. आपके बीच से गुजर रहा है।
आज प्रभु यीशु मसीह आपने पास दिए जाते हैं, आज के प्रभु यीशु आपने पास दाली आते हैं, आज के प्रभु यीशु आपने सामने दाली आते हैं, आज के प्रभु यीशु वही बीज लिए दाली आते हैं, अब प्रभु यीशु बोलचें बोलो कोठाई फेलवो, कौन जाएगा फेलवो, तुम्ही कौन जाएगा आमार जन्य रेखे चो, where you have kept the place for my seed, where you have kept the place for the word of God, आपने परमेश्वर का जगह कहां रखा है, the word of God is itself Jesus, परमेश्वर का वचन ही यीशु है, और यीशु ही परमेश्वर का वचन है, और वचन ही निर्धारित हुआ, और वचन जो निर्धारित हुआ, वो क्रूस पर टंगाया गया, बोने প্রভু
সেখানে বীজ তুমি দিয়েছো প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু, তোমার মহিমা করি প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, তোমার বাক্য চির সত্য, চির অনন্ত প্রভু, তোমার বাক্য প্রভু কোনোদিন মিথ্যে হতে পারে না প্রভু, কারণ তুমি সত্য প্রভু, তুমি পথ প্রভু, আর তুমি জীবন প্রভু। তাই তোমার বাক্য প্রভু চির সত্য, চির অনন্ত প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ জানাই প্রভু। সুন্দর বাক্যের জন্য প্রভু তোমায় ধন্যবাদ জানাই। হ্যাঁ প্রভু, যেন প্রভু চার্চের গেট থেকে বেরিয়ে যেন কেউ এই বাক্যকে চুরি না করে নিতে পারে প্রভু। প্রভু সেইভাবে প্রভু তুমি বেড়া লাগিয়ে দাও প্রভু, আমাদের হৃদয়ের চারিদিকে তুমি বেড়া দিয়ে দাও প্রভু, যেন কোনো দিয়াবল, কোনো শয়তান শত্রু প্রভু তোমার বাক্যকে হরণ করতে না পারে প্রভু। প্রভু আজকে আমাদের হৃদয় প্রভু তোমার হাতে সমর্পণ করলাম প্রভু। এই হৃদয়ের আজকে কোনো কোনো ভারী প্রভু আমাদের আর রইল না প্রভু, আমি আমার হৃদয় তোমার হাতে দিলাম প্রভু। তোমার ইচ্ছা মতো প্রভু তুমি আমার হৃদয়কে চালনা করো প্রভু। প্রভু যখন তোমার হাতে দিচ্ছি প্রভু, আমি জানি প্রভু এর উপর কর্তৃত্ব শুধু তুমি করবে প্রভু। তোমায় ধন্যবাদ করি, তোমার মহিমা করি প্রভু। প্রভু এই প্রার্থনা করি প্রভু আমাদের পালক পিতার জন্য প্রভু, তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু, তুমি দীর্ঘজীবী করো প্রভু। ও প্রভু তার মুখকে তুমি আরো আশীর্বাদ করো প্রভু, তাকে তুমি আরো 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 সুন্দর করে ব্যবহার করো প্রভু, যেন প্রভুর প্রত্যেক জায়গায় যিশু নামের পরিত্রাণ আসে প্রভু। তুমি আরো সুন্দর করো প্রভু, আরো সুন্দর করো প্রভু, আরো বুদ্ধি জ্ঞানে তাকে তুমি সাজাও প্রভু, কারণ প্রভু দরকার প্রভু তোমার দাসকে দরকার। প্রভু তোমায় ধন্যবাদ জানাই, তোমার মহিমা করি প্রভু। প্রভু আমি প্রার্থনা করি প্রভু অ্যাসিস্ট্যান্ট পাস্টারের জন্য প্রভু, তাকেও তুমি সুন্দর করো প্রভু, তাকেও তুমি পবিত্র করো প্রভু, তাকেও তোমার রাজ্যে ব্যবহার করো প্রভু, সেও যেন অন্যের উন্নতির কারণ হতে পারে প্রভু। তোমায় ধন্যবাদ জানাই প্রভু। প্রভু প্রত্যেককে আশীর্বাদ করো প্রভু, যারা মিউজিক বাজে তাদেরকেও তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু, যারা ওয়ার্শিপ লিড করে তাদেরকেও তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু, যারা কোয়ারে থাকে প্রভু তাদেরকেও আশীর্বাদ করো প্রভু, সানডে স্কুলকে আশীর্বাদ করো প্রভু যিশু, তুমি মেন ফেলোশিপকে আশীর্বাদ করো প্রভু, তুমি লেডিস মিটিংকে আশীর্বাদ করো প্রভু, তুমি মিডিয়া টিমকে আশীর্বাদ করো প্রভু। প্রভু তোমার আশীর্বাদ আরেকদের প্রয়োজন প্রভু, তুমি উজাড় করে আশীর্বাদ করো প্রভু। তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু, তোমার মহিমা করি প্রভু, প্রত্যেককে প্রভু তোমার হাতে দিলাম প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, এখন থেকে প্রভু একটি সপ্তাহ প্রভু তোমার হাতে আমরা থাকতে চাই প্রভু, তোমার পরিচালনায় আমরা চলতে চাই প্রভু, যেন প্রভু আমাদের অন্য কোনো দিকে নয় প্রভু, যেন লক্ষ্য তোমাতে স্থির থাকে প্রভু, তোমার বাক্যে স্থির থাকে প্রভু। তুমি প্রত্যেককে আশীর্বাদ করলে তার জন্য তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, যখন তোমার বাক্য আমাদের হৃদয়ে থাকবে প্রভু, আমাদের কোনো চিন্তায় চিন্তা মনে হবে না, কারণ তোমার বাক্য আমাদের শক্তি দেবে, সাহস দেবে প্রভু। তোমায় ধন্যবাদ জানাই প্রভু। প্রভু এই প্রার্থনা করি প্রভু, আজকে যারা প্রভু তোমার ঘরে প্রভু দান দশম অংশ দিলে প্রভু, সে হাতকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু, যেন প্রভু এই হাত প্রভু সদা সর্বদা তোমার জন্য উন্মুক্ত থাকতে পারে প্রভু। তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু, সকল ধন্যবাদ গৌরব প্রশংসা মহিমা প্রভু, যা শুধুমাত্র তোমার প্রভু, তোমায় দিলাম প্রভু এই প্রার্থনা। আমার জীবিত ঈশ্বর খ্রিস্ট যিশু নামে চাইলাম, তুমি শুনলে, স্বর্গরাজ্য থেকে গ্রহণ করলে। আমেন। পবিত্রাত্মা কি সহভাগিতা अब से लेकर सर्वदा तक जब तक प्रभु यीशु मसीह बाद में लौट कर हम इस वास्ती को लेने ना आए, तब तक हम सब इस विश्वास में बने रहे, हम सब मिलके बोलेंगे आमेन। कर्ता शुक्र भगवान आशीष दे आप।